हेलो आया सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक है। एंड इतने दिन से मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, ऐसे समझो कि कुछ डिफ़िकल्टीज तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया था बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा बिजी हो गए हम। एंड थैंक यू फॉर माय लास्ट वीडियो, जिसके लिए बहुत अच्छा तगड़ा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। बस दिनों बाद मैं अभी कैमरे को फेस कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है, बट बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा सांस फूल रही है। तो ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन में मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, हालांकि मैंने ये भी सोचा था कि लाइक एक वीक में लगभग 2 से 3 मैं व्लॉग्स रेडी कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे आउटसोर्स ट्रैवलिंग करना, लेकिन वो सारा सब चीज़ें बिगड़ गई एंड फलाना ढिमकाना हो गया। आप लोग तो जानते ही है कि मार्केट का सिचुएशन क्या हाल है अभी फ़िलहाल में। तो अभी फ़िलहाल में आप लोगों के लिए नया ब्लॉग रेडी कर रहा था मैं आज, ऐसे कि कुछ काम पेंडिंग हो रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि यार आज किसी भी हाल में ब्लॉग को रेडी करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ब्लॉग करते रहना है। और मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब को लेकर सोची हुई थी। एंड माफ़ कर देना भाई, ये रूम की गड़बड़, कुछ हालत ऐसी ही है मेरे जैसी कि मैंने इसको पूरा ख़राब करके रखा हुआ है पूरे रूम को। तो अभी कैसे थोड़ा सा यहाँ से ब्राइटनेस है बिकॉज ऑफ द बालकनी, तो इसके लिए ये कवर कर रहा हूँ मैं एरिए से। एंड बहुत ही जल्दी, मतलब अभी कुछ मेरे काम के रिलेटेड से मैं कुछ और भी खुशियों को लाने की तैयारी में हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स को पता भी है, बताते हैं बाद में, आप समझ गए ना बस बात है। तो अभी ऐसा है कि मुझे जाना है अपने भाई के साथ में बाबुली साइड में, बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है अपने सुल्तान में। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि मैंने अपने बाइक का नाम सुल्तान रखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको वहाँ पे दिखाई होगा, मैंने रील्स वगैरह अपलोड कर रहा था मैं बीच बीच में, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड किया हुआ है। रही बात ये, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है KTM में अपने सुल्तान एडवेंचर 250 में, तो उसको भी मुझे थोड़ा सा ठीक करके, मतलब दिखाना है वहाँ पे और उसको ठीक करवा के लेना है। प्लस अपने भाई का भी जो है एप्रिलिया, तो वो भी ऐसा है कि चासी ब्रेकडाउन हो गया उसका, तो भाई की वो अलग से मेहनत चल रही थी। तो अभी ऐसा है कि मुझे उनके लिए भी जाना है, देखना है, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग कर ही लेता हूँ और आज ही से शुरू करते अपने नए ब्लॉगिंग की। बाकी बैकग्राउंड वॉइस के लिए थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने अपना जो बोया का माइक इसमें लगाया नहीं है और छोटू हमारा जो है वो चिल्ला पुकार करते रहे। निकलते हैं, चलो शुरू करते हैं आज का दिन। मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे एप्रिलिया के शोरूम में और सर्विस सेंटर में, लेकिन छुट्टी की वजह से बंद है, तो भाई के बाइक को देखना थोड़ा मुश्किल होगा आज। एंड आई थिंक मुझे वो आने वाले कुछ दूसरे ब्लॉग में कवर करना पड़ेगा, वैसा तो ही कुछ प्लान है, कवर करेंगे। क्या हो गया, आज किस लिए छुट्टी है? वो पेपर देने का था भाई के बाइक का। मैं तो ब्लॉगर है भाई, एक चार से ब्रेक डाउन हो गया, तो वो गड़बड़ में थे हम लोग, क्योंकि RTO जाना आना, नया चार से बुक करना, तो उसके नए चासी का नंबर, तो वो सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा रुक गए थे। लेकिन आज स्टार्ट किए हैं कवर करना, तो आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पीपल ऑल्सो। भाई का भी काम जल्द से जल्द होने की कतार पर है भाई के पास, क्योंकि क्या है ना, कार है या तो फिर बाइक, तो सवारी लेके हर जगह जा नहीं सकते, तो वो मेरे साथ में ही रहते हैं बड़े भाई, अब्दुल भाई हमारे। तो बस यही चल रहा है, मैं हूँ अभी बागुली में, यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे अपनी KTM का, तो वहाँ पे जाके मुझे मेरे बाइक का भी दिखाना है, तो मैं आपको बाइक का मेरे वहीं पर दिखाता हूँ, वही सर्विस सेंटर में। वेलकम बैक टू द सर्विस सेंटर ऑफ KTM बागुली। तो बाइक में एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इसका जो
चेन है, मेन मैटर करता है ये चेन का, जिसकी वजह से एवरेज डाउन हो रहा है। तो मैंने एक हफ्ते पहले इसमें ऑयलिंग करवा के ली थी, तो ऑयलिंग की वजह से कुछ ऐसा हाल हो गया मेरे बाइक का, पूरा ये गंदा, ये सारी गार्ड भी पूरा गंदा हो गया, टायर को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये सब है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, वी ऑफ कोर्स है, सुन लो थोड़ा सा। इसका फ्यूल का जो है इंडिकेटर वो अभी भी मुझे प्रॉब्लम दे ही रहा है, तो मुझे उसका एक सोल्यूशन देखना है। बाकी सब तो बेस्ट है, क्या बनता सर? चेन लूज हो गया ना, वो खड़ा खड़ा जो आवाज आता ना उसकी वजह से। तो ऐसा है कि आते के साथ अपने गाड़ी का काम चालू हो गया, इसके अंदर मैं अभी करवा रहा हूँ चेन क्लीन एंड फिर चेन लूज, तो इसके बाद में एवरेज टेस्ट करेंगे जो कि आपको आने वाले ब्लॉग में मिलेगा। ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम रहता बाइक का, मोस्ट ऑफ द बाइकर्स नो अबाउट दिस। तो इसके लिए अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोटल का चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर। चेन क्लीन तो हो गया, अभी चेन ल्यूब करके देखेंगे, थोड़ा सा टाइट भी करना है मुझे क्योंकि एवरी 500 किलोमीटर्स पे इसको चेन ल्यूब करना ज़रूरी है, एंड फिर चलते ही गाड़ी, वरना एवरेज जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि एवरेज इसकी वजह से बहुत गिरता है, और ऐसे सिचुएशन में एवरेज गिरना मतलब पॉकेट और खाली होना है क्योंकि एडवेंचर बाइक है और पता नहीं कभी भी ज़रूरत पड़े कभी भी राइड पे निकल सकते हम लोग। शंकर भाई, ये अपना चेन का जो है ल्यूब और ये चेन क्लीनिंग कितने किलोमीटर पे करना ज़रूरी है? 500। एवरेज इसकी वजह से ज़्यादा मार खाता ना, अभी समझे? तो ज़रा चेन पे ज़्यादा ध्यान दो, सर्विसिंग भले ही 500 किलोमीटर लेट हो लेकिन चेन पे ज़्यादा ध्यान दो। वो अंकल के दोनों लड़के असल टॉप बिजनेसमैन है, तो फीडबैक दे दिया है। छोटा सा खर्चा है लेकिन बड़े बड़े खर्चों से बचेंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा करते रहो। बाकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने एग्जैक्टली किया क्या है काम गाड़ी में। मैं वागुली से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यानी कि आई एम ऑन नगर रोड ओनली, मतलब बीच में एक काम था तो वो काम ख़त्म करके मैं यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा सा अभी कर रहा हूँ स्टिकरिंग का काम, ऑलरेडी मेरे बाइक पे कुछ स्टिकर का काम हुआ है जो कि मैं अभी बताऊँगा। तो लास्ट एक स्टिकर का बचा हुआ है जो कि मीटर पे मुझे डालना है, तो अभी उसके लिए यहीं पे आया था, तो मैं सोचा कि रिफ्यूल भी करवा लेता हूँ बाइक में एंड प्लस स्टिकर का भी। तो ये जो आपको दिख रहा है फिल्म, ये मैंने चेंज करवाया है इसको, लाइक इसमें आता है वाइट कलर का ऑलरेडी, तो इसको मैंने येलोइश में किया है क्योंकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा आँख में चुभता है वो। अभी जो स्टिकर है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई स्पॉट है नहीं डालने के लिए, एंड इसके पहले जो मैंने किया है वो यहाँ पे, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई बाइक अभी फिर से। तो सुल्तान में अपने गाड़ी का नाम दिया है मैंने एडवेंचर को, एंड ये वाला एक लगाया है सिम्बॉल इंडिया का, एंड प्लस यहाँ पे किया है भाई ऑन बाइक यूट्यूब के लिए। बाकी गाड़ी जितनी साफ़ करो उतनी ज़्यादा जल्दी गंदी भी होती है, तो मैंने अभी वॉश भी करवाया था एक हफ्ते पहले एंड प्लस इसका चेन ये करवाया था, तो अभी कुछ ऐसे दिख रहा है। लास्ट जो चेन ऑयलिंग किया था उसकी वजह से यहाँ पे पूरा गंदा हुआ पड़ा है, तो जब भी इंजन स्टार्ट होता है ज़्यादा गाड़ी गर्म होती है तो यहाँ से स्टिंग करना स्टार्ट होता है बिकॉज आई थिंक ऑफ दैट ऑयल। तो आज के लिए बस इतना ही ब्लॉग में, बाकी थोड़ा काम की वजह गड़बड़ की वजह से रह जा रहा है। यहाँ पे ये भाई के पास में आया हूँ मैं, मीडियम नंबर प्लेट। तो आपका भी अगर कुछ ऐसे काम करवाना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पहचान के ही है, इसके पहले भी मेरे कुछ बाइक्स में किया हुआ इन्होंने काम जो कि 200 थी मेरे पास तभी। तो आज का बस ब्लॉग यही है, ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, फिर कल की नए ब्लॉग की शुरुआत भी करनी है मुझे, तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।